नमः शिवाय। आइए जानते हैं पितृदोष दूर करने के लिए इस बार हरियाली अमावस्या पर कौन सा करें उपाय, या काल सर्प दोष से कैसे मुक्ति पाएं। सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में इस अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं और इस हरियाली अमावस्या पर पितरों के निमित्त उपाय करते हैं तो पितृदोष अवश्य दूर हो जाएगा। श्रावण के महीने को शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। इस कारण श्रावण में पड़ने वाली किसी भी विशेष दिन या त्यौहार का महत्व भी काफ़ी बढ़ जाता है। श्रावण मास में भारत में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। इस कारण इस माह में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हरियाली अमावस्या पर पेड़ लगाने और पेड़ों की पूजा करने को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके अलावा पितृदोष शांति के लिए भी हरियाली अमावस्या तिथि बेहद खास मानी जाती है। इस बार हरियाली अमावस्या 28 जुलाई को पड़ रही है। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं और इस अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इसके कुछ आसान उपाय। हरियाली अमावस्या के दिन दूध में काले तिल डालकर मंदिर जाएं और इससे शिवलिंग का अभिषेक करें। इस बीच ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव जी का अभिषेक करने के बाद पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और 5 तरह की मिठाइयों को अलग अलग 5 पीपल के पत्तों पर रखें और ओम सर्वे भयो पितृदेवे भयो नमः मंत्र का जाप करें। यह करने के बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और पितरों से अपनी गलतियों की क्षमा मांगें। इसके बाद उस प्रसाद को गरीबों में बांट दें, लेकिन ध्यान रहे कि प्रसाद को स्वयं न खाएं। हरियाली अमावस्या के दिन आप पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं। सावन में ये पौधा आसानी से लग जाएगा। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे पितरों से जुड़ी तमाम समस्याएं भी समाप्त होंगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हर अमावस्या पर पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। एक अन्य उपाय यह भी है कि 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े में 250 ग्राम साबुत चावल, 1 सूखा नारियल व 11 रुपये बांध कर 21 बार घुमाएं और इसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे कोई हाथ ना लगा सके। इसके बाद 1 गिलास में जल, गुलाब का फूल, इत्र और सफ़ेद रंग की मिठाई पितरों के निमित्त रखें और पितरों से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगें। माना जाता है कि अगर आप पूरे मन से पितरों से क्षमा याचना करें तो वे आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। अगर आप
पितृदोष से पीड़ित हैं तो हर अमावस्या पर खीर बनाकर उसे रोटी पर रखकर गाय को जरूर खिलाएं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके अलावा पीपल पर जल चढ़ाएं। कहा जाता है कि अगर परिवार को पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो वो परिवार खूब फलता फूलता है और कोई आकस्मिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है। हरियाली अमावस्या पर किस पौधे को लगाने या पूजने पर कौन सा फल मिलता है? भगवान शिव के प्रिय सावन मास में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या के दिन विधि विधान से शिव पूजन करने पर व्यक्ति की कुंडली से जुड़ा काल सर्प दोष, शनि दोष आदि दूर होता है। हरियाली अमावस्या के दिन न सिर्फ पूजन बल्कि दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा के साथ अन्न, भोजन और वस्त्र आदि का दान करने पर पितरों का आशीर्वाद बरसता है। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन पौधों को लगाने और इसे दान देने से व्यक्ति को अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या पर विधि विधान से हवन करने पर जीवन से जुड़े दोष दूर होते हैं और सुख समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या पर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने पर अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किस पेड़ को लगाने पर कौन सा मिलता है फल? हरियाली अमावस्या के दिन यदि आप आंवला का पौधा लगाते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। हरियाली अमावस्या पर यदि आप शमी का पौधा लगाते हैं और उसकी प्रतिदिन पूजा करते हैं तो आप पर भगवान शिव के साथ गणपति की कृपा बरसती है और कुंडली का शनि दोष दूर होता है। श्रावण मास की अमावस्या पर यदि आप बिल्व यानी बेल का पौधा लगाते हैं तो आप पर देवों के देव महादेव की कृपा बरसती है। हरियाली अमावस्या पर श्रीफल या फिर कहें नारियल और बरगद का पेड़ लगाने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या पर पीपल के पौधे को लगाने और उसकी पूजा करने पर व्यक्ति को अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन पीपल का पौधा लगाने और पूजा करने से पितृदोष दूर होता है और व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।